मृत्यु सभी मनुष्यों का एकमात्र सत्य है जिसे आना ही है। जिस प्रकार वस्त्र पुराना हो जाने पर हम नए वस्त्र खरीदते हैं, उसी प्रकार जब ये शरीर पुराना और रोगी हो जाता है तो आत्मा इसका त्याग करके नए देह को धारण करती है। पर जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जो उनसे प्रेम करने वाले लोगों को कभी धोखा नहीं देते, जो आस्तिक और श्रद्धावान होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा मनुष्य को सुखद और पीड़ा रहित मृत्यु आती है। पर जो मनुष्य मोह और अज्ञानता में डूबे रहते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो पापी मनुष्य झूठ बोलते हैं, जो विश्वासघाती और वेदों की निंदा करता है, ऐसे पापी मनुष्य अत्यंत पीड़ा से युक्त मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पीड़ा भी ऐसी जो मनुष्य की आत्मा तक को डरा दे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि यज्ञ पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सोनकादि ऋषियों से गरुड़ पुराण का दिव्य व्याख्यान करते हुए कहते हैं, एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे बताए कि मनुष्यों की मृत्यु के समय क्या होता है और कैसे जीवात्मा शरीर का त्याग करती है। मृत्यु के समय पापी मनुष्यों के साथ क्या होता है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है, कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करिए और मेरी जिज्ञासा को दूर करिए। गरुड़ जी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जब पापी मनुष्य की मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व देवयोग से उसे कोई न कोई रोग हो जाता है। उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है और कार्य करना बंद कर देती है। जब मनुष्य के प्राण निकलने लगते हैं तो मनुष्य को हजार बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा का अनुभव होता है। उस मनुष्य का पूरा शरीर दर्द से भर जाता है और वो पापी मनुष्य चीखता और चिल्लाता है। ऐसे महान दर्द के कारण मनुष्य की चेतना का लोप हो जाता है और वो पापी मनुष्य जड़ के समान हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब उस मनुष्य के पास यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। यमदूतों को देख वो पापी मनुष्य भय से कांपने लगता है। उन यमदूतों को देखकर डरा हुआ वो पापी मनुष्य अपने पुत्रों, पुत्रियों, अपनी पत्नी और रिश्तेदारों को याद कर रोने लगता है। उसकी आंखें भय से बड़ी हो जाती है और गला सूख जाता है। वो पापी मनुष्य कंठ से कुछ भी स्पष्ट बोल नहीं पाता है। तब यमदूत उस पापी मनुष्य के प्राणों को पास में जकड़कर उसकी देह से खींचकर अलग करने लगते हैं और उस पापी मनुष्य के प्राण उसके कंठ में आकर फंस जाता है। उस पीड़ा से उस मनुष्य का स्वरूप अत्यंत विभत्स हो जाता है। उसके पूरे जीवन भर का कर्म उसके सामने घूमने लगता है। उस पापी मनुष्य की श्वास अति तीव्र हो जाती है और वो पापी मनुष्य मुख से जोर जोर से श्वास लेने लगता है। उसके शरीर का अग्नि तत्व प्रस्फुटित हो जाता है और उसको ज्वर की अनुभूति होती है, जिससे उसको अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है और उसके मुख से फेन निकलने लगता है। उसका पूरा मुख लार से भर जाता है। ऐसी दुर्दशा के बाद हाहाकार करती और अपने परिजनों को बुलाती हुई उस मनुष्य की आत्मा यमदूतों के द्वारा बाहर निकाल ली जाती है और पास में बांध कर यमलोक ले जाई जाती है। भगवान कहते हैं, हे खगेश, इस प्रकार पापी मनुष्य और पुण्यात्मा मनुष्य अपने अपने प्राणों को त्यागते हैं और जीवन पर्यंत किए कर्मों के आधार पर सुख और दुख भोगते हैं। अतः हे पक्षीराज, सभी मनुष्यों को प्रयत्न करके अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि मनुष्य सद्गति और मुक्ति प्राप्त कर सके। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आज की पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।